दुमका में बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है। मात्र 20 से 25 मेगावाट बिजली आपूर्ति होने से जिले में 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। ऐसे में बिजली की समस्या से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जिले में 60 से 65 मेगावाट बिजली की हर दिन जरूरत है, लेकिन उसके बदले मात्र 20 से 25 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो रही है, जिससे लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में बिजली की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। बिजली नहीं रहने के कारण पढ़ाई लिखाई से लेकर कई तरह की समस्या आ रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं बिजली विभाग के जीएम के माने तो गर्मी के कारण ये समस्या आई है। बिजली की स्थिति काफ़ी दयनीय है, यहाँ मनमानी चल रहा है और यहाँ का अफसर काफ़ी लूट खसोट में बिजली विभाग के लगे हुए हैं और यहाँ का जो जनता है काफ़ी चिंतित है। बच्चा को पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है, रात में तो आदमी सो नहीं पाता, पानी नहीं उठा पा रहा है, मैंने बहुत स्थिति खराब, मैंने बोलने का लायक नहीं। गर्मी के दिनों में पावर का डिमांड काफ़ी जरूरत से ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है, पहली तो बात यह है। और जो उनको बिजली की जो रिक्वायरमेंट है वो उतना मिल नहीं पाता है सेंटर पुल से, जिसकी वजह से SLDC के द्वारा जो है डिफरेंट झारखंड के ग्रिड को जो है लोड सेटिंग का रिस्ट्रिक्शन डाला जाता है, जिसके तहत जो है बिजली हम लोग प्रॉपर वे में 24 आवर्स दे नहीं पाते हैं, सेटिंग करना पड़ता है।